मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रियों को विभाग वितरित कर दिए हैं। मेरे साथ सौरभ बहुगुणा जी हैं, आप सबसे युवा मंत्री हैं। सौरभ जी, उम्मीदें तो हमें बहुत ज़्यादा थी क्योंकि युवा आप हैं, लेकिन कौशल विकास हो, चाहे इसके अलावा गन्ना की बात हो, चाहे दुग्ध विकास हो, ये तमाम सेक्टर ऐसे हैं जिसमें करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन हुआ नहीं है स्टेट में। आप कैसे लेते हैं सर? चैलेंज बिल्कुल मैं ले रहा हूँ, होता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए ये विभाग मुझे दिए हैं कि इसको आगे बढ़ाया जा सके विभागों को। और मैंने आज सुबह ही अपने आवास पर अधिकारियों को बुलाया था, मैंने थोड़ा बहुत विभाग के बारे में समझाया और कल सुबह पूर्ण रूप से समीक्षा बैठक ले रहा हूँ विधानसभा में सारे विभागों के बजट मिले। देखिए, ये सारे ऐसे विभाग हैं जिनको हम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं हमारे, उनमें लोगों को रोज़गार से जोड़ा जा सकता है, युवाओं के लिए कौशल विकास और जो हमारा स्किल डेवलपमेंट है इसको हम लोग ज़रूर इसमें अच्छा काम हो सकता है। मैंने आपको थोड़ा बहुत मैंने जानकारी दी है अधिकारियों से, पिछले दो साल तीन साल से हमारा बजट लैप्स हुआ है इसमें, और मैं मेरी कोशिश रहेगी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो, चाहे कौशल विकास हो, चाहे हमारा दुग्ध संघ हो, चाहे फिशरीज़ हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे गन्ना विकास हो, इन सब में अपनी अच्छे से काम करेंगे और जो आपको डिफरेंस दिखेगा इन पाँच सालों में कि इन विभागों को सुधारा भी जाएगा और इनके द्वारा हमारे उत्तराखंड के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। सौरभ जी, मेरा आखिरी सवाल, जो गन्ना विभाग है उसमें हम देखते हैं किसानों को एक तो बकाया नहीं मिल पाता और दूसरा जो गन्ना इंडस्ट्री है, जो शुगर मिल्स हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर डिफॉल्टर होते हैं, आप इसको कैसे रोकेंगे? ये बड़ा क्षेत्र है। मैं खुद एक ऐसे क्षेत्र से आ रहा हूँ जहाँ पे सितारगंज चीनी मिल से बहुत बड़े हमारे रोज़गार का भी जरिया है, हमारे गन्ना किसानों के लिए बहुत बड़ा जरिया है। और बहुत तकलीफ़ें हुई मुझे भी 2017 में जब हमारी सरकार आई तो चीनी मिल को बंद कर दिया गया, फिर 2021 में जाके वो चीनी मिल वापस खुली। तो समस्याएँ हैं और हमारी सारी चीनी मिल डेथ में है, तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, उसका टर्न अराउंड कैसे किया जाएगा, उसके लिए मैंने सचिव से बात करी है, हमारे सचिव की मैंने समीक्षा बैठक बुलाई है और थोड़ा बहुत जानकारी मुझको भी है क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र से आ रहा हूँ जो गन्ना से प्रभावित है, चीनी मिल से प्रभावित है, तो क्या समस्या है मुझे मालूम है, कोशिश करेंगे उन्हें सुधार करने की। सौरभ बहुगुणा का कहना है कि उनको जो विभाग दिए गए हैं उनको नए तरीके से वो काम करेंगे, अगले 5 सालों में इन विभागों में चीज़ें दिखेंगी, चाहे कौशल विकास की बात हो, चाहे पशुपालन की बात हो, हर सेक्टर को नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बड़ी जल्दी सोनी कुमार के साथ सुनील सीला, न्यूज़ दर्शन, देहरादून।